मायरी दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। तेरे बाप के अलावा कोई नहीं आया था इस घर में, यही सोफे पे बैठा हुआ था ना, और हार तो पास ही पड़ा हुआ था। क्या मुश्किल है एक छोटा सा हार जेब में डाले ना। इसीलिए तो ब्याही जाती हैं बेटियां अमीर घरानों में। अपनी बकवास बंद करो, मैं सबकी बातें सुन रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बाप का इल्जाम लगाओ। ओह यू नो लाइफ, मतलब इसी करती है मेरे बेटे के साथ हैं? हरी साहब, आपके बेटे ने सूद पर कर्जा लिया है, और ना सिर्फ सूद पर कर्जा लिया है बल्कि उसी दुकान के नाम पर बैंक से गाड़ी भी निकलवाई है। अब आपका क्या? मालिक से बात। क्या बात करें? और उससे पूछूंगा कि उसने मेरी हक हलाल की कमाई को इस सूद के जन्म में क्यों झोंक दिया, क्यों क्यों। अब्बा जी, बुलाया आपने? हाँ जी। देखो जी मालक जी, हक तो नहीं बनता कि मैं तेरे मामलात में दखल दूँ, पर क्या करूं, जमाना चुप नहीं रहने देता। तुम्हारी वल्दियत में मेरा नाम जो है, इसलिए लोग आके शिकायतें तो करेंगे ना, बातें तो बनाएंगे ना। ऐसा क्या कर दिया मैंने अब्बा जी? जिसकी शिकायत ने आपको इतना दुख पहुंचाया? तूने दुकान गिरवी रख दी है। लो, ये कौन सी नवी बात है? इस घर में पहले ये काम आपने भी तो किया था, बल्कि आपके किए गए काम पे तो लोगों ने कब्जा कर लिया है। उस वक्त आपको बुरा नहीं लगा? अब मैंने तरक्की करने के लिए कदम उठाया है तो आपको बुरा लग गया है। देख मालूम, तू अपनी बीवी की बात मान मान कर अपनी बर्बादी कर रहा है। अब्बा जी, आपने भी तो सारी जिंदगी अपनी बीवी की मानी है, अब अगर हमने मान लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अच्छा जी, माफी चाहता हूं, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें। अब्बा जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे लिए जो सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं, मगर अब हमें खुद अपने बारे में अच्छा सोचने का मौका दें प्लीज। लोगों की बातें सुन के हमें कटहरे में खड़ा ना करें, छोड़ दे मुदाखलत करना हमारी जिंदगी में। हेलो, बस वो टाइम ही नहीं मिला, वरना मैं जरूर आता। अच्छा, आ रहा हूँ, आता हूँ, आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पुत्री। मतलब मैं कुंडी खड़काऊंगा तो ही तूने दरवाजा खोलना है, अपने आप ख्याल नहीं आता तुझे? क्या किया पैसों का? पैसों का हो जाएगा, कर रहा हूं मैं।
क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा हूँ पुत्री। पुत्र तेरे बैंक से कर्जा ले लेके अपना कारोबार बढ़ा रहे, पर मुझे तू हमेशा कोशिश की फक्की दे देता है। मेरे नहीं, अल्लाह ना करे मैं फक्की नहीं दे रहा पुत्री, अब तो मेरी दुकान भी तेरे पास है। दुकान को चटना है मैंने, तीन बार कोशिश किया कि वहां कोई काम कर लूं, पता नहीं क्या जादू किया कि कोई काम चलता ही नहीं है, उल्टा नुकसान पे नुकसान हो रहा है मुझे, पर मैंने नुकसान भी तेरे खाते में डाल दिए। ना पुत्री, तेरे नुकसान का मेरे साथ क्या ताल्लुक? ये तू मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। मतलब मेरे एहसान को ज्यादती कह रहा है? ओए गाली दे रहा है मुझे तू? तू तो करता है कि ये गोली तेरे सर में मार कर किस्सा खत्म कर दूं तेरा। मार मार दे गोली, अब कर दे किस्सा खत्म। इस जिद्दत के बाद जिया नहीं जाना मुझसे। तू मर गया तो मेरे पैसे कौन देगा? नीचे बैठ। बैठ नीचे। आज तू पैसे देगा तो ही जाएगा। बैठ बैठ नीचे। बस इससे ज्यादा नहीं कर सकता। कौन आया था? वो तुफैल, तुफैल आया था। मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कंबल पालता, असिया सी कंबल पालता, बुक्कल विच रोग लुकालता, बेवजनी तकड़ी तुल गया, असी पुलन हारे पुल गया। अरे का जमाना ही नहीं रहा। मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। बात कर भी रहा है और कह रहा है मैंने कोई बात नहीं की। कैसे मस्कीन बन के बैठा है मेरे सामने वो तेरा ठेकेदार पुत्र। लाख रुपए खिला रहा है उस डांसर को और तुझे कुछ नहीं देता है। दूजे ने बुटीक बना ली, गड्डी ले ली, पर मैं जनाब की राह देख। अपने बेटों के लेन देन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पुत्री, ये तू भी अच्छी तरह जानता है। वाह वाह, ए कितनी चलाकी से अपनी औलाद को बचा रहा है। ओ बाबा, और तेरी उम्र रह ही कितनी गई है? अगर तू मर गया तो मेरे पैसे कौन देगा है? बस थोड़ा सा टाइम दे दे। मैं तो टाइम दे ही दूंगा, पर जे तेरा टाइम मुक गया तो कौन देगा मेरे पैसे? मेरी वारस मेरी बीवी है, अब वो देगी, घर की चार दीवारी तेरे हवाले कर देगी, मुझे मकरूस नहीं जाने देगी इस दुनिया से अगर मैं ना रहा तो। नहीं,
तो मैं अदा करूंगा तेरा कर्जा। 2 महीने की मोहलत दे रहा हूं तुझे, इसके बाद मोहलत नहीं मिलनी। अरे चौक में बेइज्जत करके गोली मारूंगा तुझे। किसी से झड़प हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? बता। क्या बताऊं गुलाम फातिमा, आज मेरे साथ हुआ हुआ है जो सारी जिंदगी नहीं हुआ। गोली दे रहा है मुझे तू? हैं? ये तो पता है कि ये गोली तेरे सर में मार कर किस्सा खत्म कर दूं तेरा। मार मार दे गोली, कर दे किस्सा खत्म। इस जिद्दत के बाद जिया नहीं जाना मुझसे। बैठ, बैठ नीचे। बैठता हूं, बैठता हूं। सानू मिली सजा पार है, टूर पाया
पूरा पूरा पुर गया असी पुलण हारे पुल गया। हाल चाल क्या पूछता है बेटा, तेरे अब्बा जी बड़ी मुश्किल में है। ओ माँ जी कोई नई बात करें, सिर्फ अब्बा जी नहीं पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया। अब्बा जी हमारे इलाके में उसे कहते हैं COVID-19 और अंदरून शहर में कहते हैं कोरोना। अम्मा जी इस कोरोना ने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, क्या बड़ा कर क्या छोटा, क्या अमीर क्या गरीब, सब मुसीबत में। हाँ पर वो तुझे पता ना, आयशा की शादी पे जो कर्जा लिया था दुकान भी उसमें चली गई और कर्जा है के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा बल्कि सूद बढ़ता ही जा रहा है। अम्मा जी अब आप खुद बताएं, हक की बात करें, इसमें हमारा क्या कसूर है? वो सारा कसूर अब्बा जी का है। अब्बा जी ने बदोबदी मुसीबत अपने गले में डाल ली। He himself माँ जी। हाँ पुत्र वो तो सही है, लेकिन आखिर इस मुसीबत को उतारना भी तो है ना। तुझे पता है आज उस बदमाश ने तेरे अब्बा जी के साथ बड़ी बदतमीजी की है। हाँ माँ जी वो तो है ही ऐसा। अब मैं अगर उसके घर में जाके उसे बात करूंगा ना तो उसने कहना इतना एहसास है तो रख पैसे इधर। हाँ तो दे देना, माशाल्लाह माशाल्लाह तेरा तो कारोबार इतना बड़ा है ऐसे। कितों माँ जी कहाँ से दे दूँ? माँ जी आपको सिर्फ मेरे कारोबार का ना फैलाव नजर आता है, ये सब शोशा है। कर्जे में डूबा हुआ है आपका पुत्र। माँ जी दिन रात का सुकून बर्बाद है मेरे। अब मैं आपको क्या बताऊँ? इसका मतलब है कि तू कुछ नहीं दे सकता। नहीं माँ जी कैसी बातें कर रही हैं, आप लोगों का हुक्म है, माँ पियो है आप हमारे, मैं दूंगा बिल्कुल दूंगा, लेकिन जितनी मेरी औकात है बस मैं उतना कर सकता हूँ। बल्कि आप एक काम कर, ये ले अभी ले यकमुश्त कैश, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं ये भी अपने पास रख बेटा, तेरे काम आएंगे। और नहीं नहीं माँ जी मैं औखा सौखा होके ना अपना वक्त निकाल लूंगा। वक्त तो हमारा भी निकल जाएगा बेटा। और माँ जी अब मैं दे रहा हूँ आपको तो रख ले, हक है आपका। ना पुत्र जब हक खराब की सूरत में मिले ना तो नहीं लेना चाहिए। बस यही बातें अब्बा जी भी करते थे। मैं अब्बा जी को समझाता हूँ कि जितना जोगा हूँ उतना मैं कर दूंगा, हक है आपका हाजिर हूँ, लेकिन नहीं उनको थोड़े चाहिए नहीं, उनको चाहिए इतने ज्यादा। अब बंदा इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाए? और माँ जी मेरी मजबूरी को भी समझने की कोशिश करें आप। बड़ी गलती होगी तुझे बुला के बात कर ली मैंने, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू तो हमसे भी ज्यादा मजबूर है। एक मजबूर दूसरे मजबूर की क्या मदद कर सकता। जा मेरा पुत्र जा, अल्लाह तुझे खुशी और सुकून दे, सुखी रखे। हमारा क्या है, हमने तो सीख लिया दुख में जीना और खुश होना। अल्लाह मालिक है हमारा भी, जा उठ जा, चल जा शाबाश। और सुन ये भी ले जा ये। और माँ जी मेरी बात को सुन। कहा ना तुझे जा, तेरे अब्बा जी वजू कर रहे हैं, बाहर आके मुझे देख लिया ना तो नाराज होंगे अपनी बीवी से। चल जा ना। माँ जी मैं मजबूर हूँ वरना आप यकीन करें, एक तो वो हमारे अब्बा जी हैं ऊपर से बादशाह आदमी हैं, इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हालात ही ऐसे हैं। मैं चलता हूँ, खुदा किसी चीज़ की लोड़ हो ना बता देना तुम। ना ही लोड़ा पहन तो बोलो ना ही मंगा। हेलो स्वीट हार्ट, जाने मन कैसी हो? और बस मैं अंदरून आया था, माँ जी ने बुला लिया था। और नहीं नहीं अभी अभी तुम्हारी बात नहीं की, कर लूंगा तो कर देते हैं पेमेंट, टेंशन किस बात की है। और पैसे बड़े
कोरोना की ऐसी की तैसी, सबका कारोबार बंद है लेकिन हमारा बंद नहीं हो सकता, क्या समझी? आज ही हो जाएगी पेमेंट। ओके पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है कि ताया जान को बड़ा जलील किया उसने। सुना है मैंने भी, बड़ा दुख हुआ मुझे। काश मैं कुछ कर सकता। पाव डेढ़ पाव से तो ये कर्जे नहीं उतरते ना, बल सूद के कर्जे तो बिल्कुल भी नहीं। हमने भी तो सूद पे लिया कर्जा। मालिक, हमारा बिजनेस है और बिजनेस में से हमने मुनाफा देना है, इंटरेस्ट। सुना है अब्बा जी बहुत रोते रहे। अब उनका रोना अपने गले ना डाल लेना, उनके दुखों से दूर ही रहो। दुआ करो कल ऑर्डर जाना है, बस फिर पैसे ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे और खुशियां ही खुशियां होंगी हमारे हर तरफ। कौन आया था? वो तुफैल, तुफैल आया था। पूछेगा नहीं क्यों आया था? तू मां है, औलाद से मिलना तेरा हक है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैंने उसे बात करने के लिए बुलाया था। कौन सी बात? वो जिनमाई के बारे में बात करनी थी। फातिमा, तो क्या जरूरत थी उससे बात करने की? क्यों नहीं जरूरत थी? जरूरत थी, तेरे दम से तो मेरी इज्जत है। इसीलिए तो फैल को बुलाया था कि शायद इसी वजह से कर्जा उतार दिया। मेरे मान को उतार के फेंक गया कर्जा का उतारे। मेरी बात पे यकीन नहीं आया था ना तुझे? तुझ पे ही तो यकीन है गुलाम था, और कौन है जिस पे मान कर? अल्लाह है ना, उस पे यकीन रख। किसी से झगड़ा हुआ है तेरा? तो बच्ची के घर का ख्याल आ गया आपको? काश ये ख्याल पहले आया होता जब आपको हार उठाकर लेकर जा रहे थे। मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ।
आप फिक्र ना करें, आपका माल सारा तैयार है, बस पैकिंग हो रही है, सुबह होते ही भिजवा दूंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट चेक भिजवा दीजिएगा। आपको तो पता है इतने पैसे तो होते नहीं है ना, ले दे के ही काम करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया। आजकल नोट कर रही हूं कि तुम अक्सर देर से आ रहे हो, वक्त का अंदाजा ही नहीं होता था। आराम आरम भी पूछता तुम्हारा, काफी याद कर रहा है तुम्हें। आरम को अभी से भूल जाने की आदत डालता। तो फैल बच्चा है वो, अपने बाप को मिस करता है। आरम तो बच्चा है, लेकिन सच ये है कि हर बच्चा अपने बाप को मिस करता है। क्या हुआ, खैरियत है? ये तो तुम बताओ ना बेटा, सब खैरियत है? जी अब्बा। वो ससुराल में किसी से झगड़ा हुआ है तेरा? खैर मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू तो महीनों नहीं आती हमसे मिलने, अब ये अचानक जो रहने के लिए आ गई है तो जरूर कोई बात है। बता मुझे क्या बात है जो तू अपने घर से निकल पड़ी है? अब्बा मैं खुद तो नहीं निकली ना, और वैसे भी आपने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की कि छोटी मोटी बात पे मैं अपना घर छोड़ दूं। जिंदे रहो तो क्या उनमें से किसी ने तुझे निकाला? नहीं अब्बा, किसी ने नहीं निकाला। तो खुद भी नहीं निकली, उन्होंने भी नहीं निकाला, तो फिर अब अम्मी का बहुत कीमती हार था, वो उनसे मैंने देखने के लिए लिया था, वो मुझसे गुम हो गया। उन्होंने बहुत गुस्सा किया मेरे पे। हाँ जब उनका गुस्सा जरा कम होगा तो फिर मैं चली जाऊं। नहीं वो तो ठीक है बेटा, पर वो हार लेकर गई कहाँ थी? मेरा मतलब कहाँ गुम हुआ है? पापा मुझे नहीं पता, घर में ही देखा था मैंने। घर में गुम हुआ है तो घर में ही कहीं होगा ना, अच्छी तरह देखना था सारी जगहों पर। मैंने हर जगह ढूंढा पापा, मुझे कहीं नहीं मिला। बस एक हार की बात है ना, कितने का होगा हार? अब 4-5 लाख का तो होगा ना। हार तो कीमती है पर तेरे घर से ज्यादा नहीं। मुझे चाहे किसी से कर्ज क्यों ना लेना पड़े, मैं अपनी ती को हार देकर भेजूंगा।
लेकिन तुझे इस तरह घर पे नहीं रख सकता। वालेकुम पहन जी। वालेकुम अस्सलाम। घर में सब खैरियत है ना पहन जी? आप बताइए। बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो आयशा बता रही थी कि आप कुछ नाराज हैं उससे। कमाल है, उसने इतने अरसे के बाद बताया आपको। वाह, वो असल में वो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। गुड गुड गुड, हमें तो इतनी परेशानी में डाल दिया और अपने माँ बाप का इतना दर्द उसके दिल में। बस बहन जी बच्ची है ना, और गलतियां बच्चों से ही होती हैं। वो बच्ची है, आप तो बच्चे नहीं है ना जी। मैं समझा नहीं बहन जी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। लो जी मुझसे कसम चुका लो, मैं नहीं समझा। पुलिस में रिपोर्ट करा देनी चाहिए थी, कसमें वही समझाते आपको अच्छी तरह से। अब मैं मानता हूँ जी कि आपका बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा कीमती हार गुम हो गया आपका। पर देखे ना, बच्चियों के घर पे कोई हरफ नहीं आना चाहिए। ओ, तो बच्ची के घर का ख्याल आ गया आपको। काश ये ख्याल पहले आया होता जब आप वो हार उठाकर लेकर जा रहे थे। हार उठाकर ले जा रहा था मैं हार उठाकर ले जा रहा था जी? ये आप क्या कह रही हैं? आप खूब जानते हैं, आपने मेरा हार उठा लिया और आप इतने मासूम बन रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। वाह जी वाह, ये तो हमारी शराफत है कि हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई। हमारी जगह कोई और होता ना तो पता चल जाता आपको। पता नहीं किन गरीब गोरबा में हमने रिश्ता तय कर लिया। इतने ऊंचे लोग हम कहां जाके किस्मत फूटी मेरे बेटे की। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मैंने ना किए इस लड़की के लिए। ये तो कमियां ही पूरी नहीं होती, कहां हर वक्त नजर लेके बैठी रहूंगी इसकी। जमावार और साथ में फिरोजी, आपके पीछे मेहरून पड़ा है और ये रहा अतलस। कैसा लगा आपको? मैडम मैडम, फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? बाजी आप ये घर बेच दे। यही सोचता रहा हूं कि रोजा का बुटीक चलेगा तो कुछ पैसे जोड़ के दे दूंगा अपने भाइयों को हिस्सा। बेटा जी जब आप इस घर को छोड़कर अपने घर चले जाओगे तो हमारा क्या बनेगा? कि हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं और माँ है तुम्हारी, मैं बाप हूँ, सारी जिंदगी पाला पोसा है तुम्हें,
हमें किसके हवाले करके जाओगे? हम कहाँ रहेंगे? किसके दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे? सब चल गया, सब कुछ चल गया। मेरा बहुत ही एक चल गया। मैंने तो सारे पैसे तेरे बुटीक पे लगा दिए थे। सारा जमावार, टिश्यू, सुलग, सब जल गया, सब जल गया। इतना नुकसान हो गया है, क्या बनेगा हमारा? तैयार रहेंगे साड़ियां, लखों का माल, सब चल गया। इतना बड़ा नुकसान कैसे पूरा हो? सारा कुछ जल, मेरा पति एक जल गया, मेरा पति एक जल गया। सारी जिंदगी की कमाई चली गई यार। कहाँ थे आप इतनी देर से? पहले तो दफ्तर में था, लेकिन अब जा रहा हूं शोला से पहले। तो फिर वो लड़की तुम्हारे घर को आग लगा रही है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? नहीं, अब मुझे अपने सिवा और किसी की कोई फिक्र नहीं। क्यों क्यों कर रहे हो अपने साथ तुम ये जुल्म? तुम्हारी दौलत के पीछे है। उसे जिस दिन तुमसे ज्यादा अमीर आदमी मिल गया, छोड़ देगी वो तुम्हें। तुम्हें किस बात की फिक्र? ये मेरी जिंदगी है, वो मेरी मर्जी। मैं जिसे चाहूं रखूं, जिसे चाहूं छोड़ूं, मेरी मर्जी। क्यों नहीं होगी मुझे तुम्हारी फिक्र? मोहब्बत करती हूं तुमसे। तो करती रहो मोहब्बत, ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा मसला। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर प्लीज प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ, इस तरह मुंह मत फेरो। तुम्हें तो मेरी मोहब्बत की कदर थी, तुम तो बहुत प्यार करते थे मुझसे। पुरानी बात है, बहुत पुरानी। और वैसे भी बदलते वक्त के साथ मोहब्बतें भी बदल जाती। तुमने उसके साथ अफेयर चलाया, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन प्लीज उससे शादी मत करो। मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ? मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ?